फितरत से दूरी से क्या मुराद है, बारिश हो रही है तो उसको इंजॉय ना करना, आसमान सितारे इनको ना देख पाना, जानवरों को ना देख पाना, ये वो जो फितरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ने पैदा की हैं, जब आप इनसे दूर होते हैं तो आपकी नफ्सियाती सेहत ख़राब हो जाती है। तो अगर आपका सारी रूटीन ऐसे ही है, कमरे में बंद, फिर टीवी, फिर मोबाइल, और रात को सो गए और इसी तरह आपकी रूटीन रहेगी। अच्छा सुनिएगा ज़रा, इस पॉइंट को समझिएगा। आपको सब्ज़ा पसंद है, फ़र्ज़ गार लें, तो सब्ज़ा देखते हुए अगर नींद आ जाए तो आप नींद को पीछे नहीं करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपको मोबाइल पसंद है तो हो सकता है नींद आए, आप मोबाइल को ना छोड़ें। गैर फितरती चीज़ों से आपकी जो फितरती चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो इसलिए फितरत के साथ कुर्बत बहुत ज़रूरी है। वॉक करें, सब्ज़ा देखें, थोड़ा टाइम निकालें, रात को सितारों को देखें, सर्दी को थोड़ा इंजॉय करें, मतलब थोड़ा खुद को टाइम दें। इसी तरह बच्चे के लिए भी यही रूटीन थोड़ी उनको तजवीज़ करें, फिर उनकी नफ्सियाती से ठीक होगी और उनका मूड बेहतर होगा, भूख भी ठीक होगी और दूसरी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी।